हम सब चाहते हैं कि हम भी बड़े हो जाएं, तो हम इसलिए मामला साहब का जिक्र करते हैं कि मुझे फिर ये लगता है और ये खतरा मुझे है कि फिर कोई बाहर से गोरा आएगा और वो मानुल्लाह खान साहब पे बहुत अच्छी फिल्म और एक डॉक्यूमेंट्री बना लेगा। हम थोड़ी सी बातें बातें करेंगे और थोड़ा शिकवा करेंगे, उसके लिए डायरेक्टर ही नहीं है हमारे पास, वो इतना बड़ा आर्टिस्ट है जो उससे काम ले सके। अभी हमने दुआ भी की, बेटी बैठी हुई है, अमानत बैठे हैं और आप सब हैं। ये लाहौर शहर इस बात से तो का तो शाहिद है कि अमानुल्लाह खान साहब के लिए हॉल की जरूरत नहीं है, पहाड़ी ही काफी है। सो हॉल तो बन जाते हैं बाथरूम के लिए वो। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हम सब ये जितने लोग जनाब ठाकुर लाहौरी साहब हैं, बुखारी साहब, सजुद्दीन, जैन मोहनी, हम सब चाहते हैं कि हम भी बड़े हो जाएं, तो हम इसलिए मामला साहब का जिक्र करते हैं कि वो बड़े हैं, वो बड़े हैं, अपने फन में यकता रहे हैं और दर्द वाले रहे हैं। तो इस करीम साहब बैठे हैं, तो वैसे वो ये उनसे ही शायद हमने बात सुनी और सीखी हो कि दर्द से ही फनकार इबारत होता है, उसको उसी की कुछ झलक नजर आती है उसकी परफॉर्मेंस में। और अनवर मसूद साहब, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, वो कहते हैं कि अगर कहके को भी निचोड़ो तो आंसू ही निकलेंगे उसमें से। तो अमानुल्लाह साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, मुझे याद है एक तकरीब में जो गालिबन प्रेस क्लब ही की थी और पीछे में वो थोड़ी मेरी जिम्मेदारी थी वो मेजबानी की, मेजबानी से पहले सईद सीकी साहब को जब मैं देखता हूँ फिर कैसे कैसे आपको वो लड़ी कैसे जोड़ती है। दिलदार परवेज भट्टी साहब याद आते हैं, ये टैलेंट भी उन्हीं का हंट किया हुआ। अमानुल्लाह खान साहब भी हैं और जैसे उनका दिलदार परवेज भट्टी साहब से ताल्लुक और जैसे वो जिक्र करते थे, मुझे याद ही नहीं कोई ऐसा वक्त कि अमानुल्लाह खान साहब ने दिलदार परवेज भट्टी साहब का जिक्र किया हो और उनकी आंखों से आंसू ना चल पड़े हो। वो मैं आपको बता रहा था कि वो तकरीब थी तो पीछे मुझे कहने लगे कि आपको पता है कि आप मेरी आवाज है। गहरी सी बात कर रहे थे, आप एक लाउड स्पीकर हैं। तो आपको पता है 28 बरस अगर एक शख्स किसी एक जगह आए और उस दरख्त को हाथ लगा के वापस चला जाए तो वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। मैंने थिएटर किया है इस शहर में 28 साल रोजाना, तो आपको पता है इस बात का। तो मुझे दिल गए फटे जमीन चल जाएगी अंदर कि वो ये बता रहे थे कि भाई एंकर कम कॉम्पेयर, तुम्हें पता है तुम किसका जिक्र कर रहे हो, कोई उसके मुतालिक भी कोई छान पटक की है या नहीं, ये मैंने बताना है। तो फिर ख्याल आया कि अगर आपने किसी के बारे में बात करनी है तो फिर बड़े तो कहते हैं उससे भी ज्यादा जानना चाहिए। लेकिन जैसे बाबा जी साग साहब ने तुफैल न्याजी साहब के बारे में ये कहा था, यार हम समझते रहे कि तुफैल न्याजी एक डिपार्टमेंट है, तो हमें पता लगा वो एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है। आप अमान साहब को देखे तो अमान साहब के रंग ऐसे हैं जैसे वो मंशूर रखते हैं ना, तो उसमें से रोशनी गुजरे तो साथ फैल जाते हैं, ऐसे पता लगता है। लेकिन पता किसको लगेगा, जिसमें से वो गुजरेंगे, उस मंशूर में से गुजरेंगे तो रंग नजर आएगा। आपा बताएगी अमानत कैसा भाग वाला बंदा है कि हम सारे ही नहीं, अमान साहब ने भी दुआएं ही की अमानत के लिए हमेशा हमेशा ही।
और हम भी ऐसे, और वही वो आज ही बल्कि सब बच्चों में, और ये सबसे बड़ा तो वो इसने खट भी लिया बड़ा कुछ। लेकिन और आप ये अजीब बात देखिए कि वालिद की दुआ जो है वो तीर बहादुर है, वो अगर मिल गई तो उसकी वापसी नहीं है, कबूलियत ही कबूलियत है। तो बहुत सारी चीजें, फिर अभी हमारे दोस्त है आसिफ इकबाल साहब, उनके अब्बा जी का मिसाल हो गया, करीबन एक बरस होने को आया, तो कल वो फोन पे कह रहे थे कि नूर भाई अब्बा जी गए थे ना तो मेरी जिंदगी जो रंग चले गए ने। तो मैं अपना बाप भी याद आ रहा था, मान भी याद आया उस वक्त, तो मैं यार आसिफ भाई गल पता की है, ताडे ते मेरे अब्बा जी वो नहीं गए, वो जूंदे ने असी चले गए, असी मार गए हैं, वो तो जूंदे ने, तो हमने उनको कैसे जीना है, किस तरह करना है, कैसे छुप छुप के मददें करनी है, कैसे छुप छुप के लोगों के काम करने हैं, क्या लोगों की आंखों में उनको तकलीफ पहुंचानी है या सहूलत देनी है, आसानी देनी है, या उनकी फिक्रें छीन के मुस्कुराहटें बिखेरनी है। मैंने शायद दो बरस पहले भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए तो उनके लिए भी, आगे जैसे भी, मुझे फिर ये लगता है, ये खतरा मुझे है कि फिर कोई बाहर से गोरा आएगा और वो मानुल्लाह खान साहब पे बहुत अच्छी फिल्म और एक डॉक्यूमेंट्री बना लेगा और बहुत अच्छा होमवर्क कर लेगा। हम थोड़ी सी बातें बातें करेंगे और थोड़ा शिकवा करेंगे और इस तरह गुजर जाएगा वक्त। लेकिन जानकार शख्स किसी भी ना जानने वाले से बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर किसी शख्स का हाथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पकड़ा हो, और एक ऐसा शख्स जिसका हाथ वो तमन्ना करता हो कि अल्लाह उसका हाथ पकड़ ले, उन दोनों में बहुत फर्क है। अमानुल्लाह खान साहब का हाथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने थामा हुआ था, तो वो जिस चिराग को वो रोशन करे उसको कौन बुझा सकता है। जो ये कहने की हिम्मत रखता हो कि नूर भाई ये गंडेरियों की रेडी वाला और शुगर मिल वाला एक ही तो काम करते हैं दोनों, तो उसकी हम इज्जत क्यों नहीं करते, उसकी करते हैं बड़ी गाड़ी वाले की और ये सारा। लेकिन व्हाट अ ग्रेट सोशल साइंटिस्ट अमानुल्लाह खान साहब है। सोहेल साहब लंदन में है, वो एक फाटरेस के सिलसिले में गए, वो होते तो बहुत कमाल की बातें बताते कि वो कितनी बारीकी और कितनी नुदरत और ख्याल की क्या लताफत थी। मैं सिर्फ आखिरी बातें करूंगा कि नाइट टाइम ट्रांसमिशन में मैंने पिछले पहर में उनसे ये पूछा कि मैंने कहा खान साहब आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करे फनकारों के लिए, तो मेरे जहन में वैसे आ रहा है कि जब आप पूछते हैं वो कहते हैं कि सोसाइटी बना दे, हाउसिंग हो, ये हो वगैरह वगैरह, तो मेरा दिल था कि सोचूं कि खान साहब क्या कहेंगे। तो खान साहब का जब आप जवाब सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अमानुल्लाह खान कौन है। कहने के वो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो हमारा ट्रेन और जहाज है ना, तो इस पर हमारे गुजरने का रास्ता अलग बना दे, क्योंकि हम आर्टिस्ट सोच रहे होते हैं कुछ भाई तो हमारा ख्याल टूट जाता है फोकस, और मैं शक्ल देख रहा हूँ शख्स की, इसके लिए ख्याल की कितनी बड़ी कीमत और उसके लिए कितना कीमती है वो ख्याल। तो फकत सरकार से ये कह रहा था कि आप मेरे ख्याल का ख्याल रखें। सो अब ये लोग और कहां से होंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम, आज मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि खालिद बाजगार साहब को रोल ऑफ ऑनर मिला था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। तो मेरा ये ख्याल है कि जब हम कॉमेडी की बात करते हैं, जब हम थिएटर की बात करते हैं, जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अल्लाह शोएब हाशमी साहब को जिंदगी दे, सेहत दे, तो उन्होंने कहा था कि मेरा पसंदीदा फनकार 80s में कहा उन्होंने कहा अमानुल्लाह खान, अमानुल्लाह खान स्टेज वाला कह लें हाँ अमानुल्लाह खान, उसके लिए डायरेक्टर ही नहीं है हमारे पास, वो इतना बड़ा आर्टिस्ट है जो उससे काम ले सके। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत मुनासिब है कि चाहे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स हो, चाहे बीकन हाउस यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, नापा हो,
मेरा ख्याल है कि हमें अमानुल्लाह खान साहब के नाम की एक चेयर वहां जरूर बनानी चाहिए। हमें इस ह्यूमर को सीखना और समझना चाहिए। हमें पता लगना चाहिए कि कैसे कोई सोशल साइंटिस्ट हो जाता है जिसको हम एक कॉमेडियन कहते हैं या कहते हैं कि हंसाने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि अब इस सिलसिले में ये काम तो हम कर ही रहे, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो कोई और तो कर ही लेगा। अल्लाह ताला इस फाउंडेशन का नाम लेकर उन्हें याद करते हैं तो उनके साथ लोग आपको भी भला और बड़ा समझने लगते हैं। तो शुक्रिया अदा करना बुखारी साहब का भी, ठाकुर लाहौरी साहब का भी। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी मेहरबानी रखे, आपका आना भी खैर हो, आपका जाना भी खैर हो, और अल्लाह ताला आप सबको आसानियां अदा करे और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अदा करे। और वो जो अलवेला साहब दुआ देते थे हाजी साहब, वो ये कि अल्लाह ताला अमान साहब को जन्नतों में घर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपकी।